कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और नए एपिसोड पे। तो यार, लास्ट टाइम बहुत सारे ऑप्शनल क्वेस्ट मैंने करे थे और काफ़ी सारे रह भी गए थे। तो एक बार जो कुछ भी बच जाता है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो मैंने ऑफ स्क्रीन भी कुछ ऑप्शनल क्वेस्ट वगैरह कंप्लीट किए थे। यहाँ पर भी मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। कंप्लीट डिलीवरीज़ में देख सकते हो यार, काफ़ी सारे जो डिलीवरीज़ थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए, और अभी पेंडिंग में काफ़ी कम डिलीवरीज़ वगैरह रहते हैं। तो लास्टली जो ऑप्शनल क्वेस्ट के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा वो है इसके पास। तो अगर याद होगा, ये बंदा जो है अपना हार्वेस्ट वगैरह संभालता है, और इसके पास हार्वेस्ट बॉक्स को कंप्लीट करने का आखिरी क्वेस्ट है। तो देख लेते हैं क्या है। तो सिलियाना सेलर बोलता है, Oh, and what's up, bossman? Back in Astera says he's got another spunky request for a spunky hunter, whatever that friggin' means. Says it'll expand the harvest box if you take care of the quest Secret of the Ooze. Do it up and he'll get you squared. Anyway, that's the message between you and me. The guy's always been kind of a loose cannon. Who even knows what he's up to? I believe it. But you'd be doing me a solid work by helping him out. Just don't blame me if you get hurt, okay? बहुत ही मतलबी बंदा लगा। और क्वेस्ट में मारना है ब्रैकिडियो को। मारना नहीं है, कैप्चर करना है। ठीक है? देखते हैं हार्वेस्ट बॉक्स में भी क्या क्या है। कलेक्ट हार्वेस्ट कर ही लेता हूँ। तो यार चलते हैं एक बार। जॉइन ए क्वेस्ट, नहीं मैं फिर से भूल गया, पोस्ट न्यू क्वेस्ट करके। ब्रैकिडियोस को मैंने मार रखा है, तो देखता हूँ अगर वो सेम क्वेस्ट कोई और बंदा कर रहा होगा तो ऑप्शनल में जाके देखूँगा। तो है नहीं अभी वैसा कोई, तो खुद ही मेरे को पोस्ट अवेलेबल में भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी नहीं है, तो खुद ही पोस्ट करूँगा और खुद ही वो क्वेस्ट कम्प्लीट करूँगा। मास्टर रैंक रैंक 3 में ऑप्शनल क्वेस्ट में था वो, द सीक्रेट ऑफ द ऊस। तो यहाँ पर देख सकते हो यार, एक ब्रैकेट ही उसको कैप्चर करना है। तो निकल लेते हैं उस क्वेस्ट के लिए। इस क्वेस्ट के लिए पर्सनली मैं तो यूज़ करूँगा इंसेक्ट ग्लेव। वेपन बुरा नहीं है, लेकिन ब्रैकेट ही उसके लिए मुझे नहीं लगता इतना फ़ायदेमंद रहेगा। तो स्टैंडर्ड लॉन्ग स्वॉर्ड ही यूज़ करूँगा मैं। सेट डेकोरेशंस कर लेता हूँ एक बार। हार्ड मियास्टर की जगह मुझे कुछ और चाहिए। एंटी ब्लास्ट, ब्लास्ट रेजिस्टेंस जो है वो ब्रैकिडियोस के खिलाफ बहुत सही काम आ सकता है, तो मैं वो उठा लूँगा। और देखता हूँ मेरे पास एंटी ब्लास्ट यहाँ पर है कि नहीं। लगता तो नहीं है। खैर कोई दिक्कत नहीं, हेल्थ बूस्ट 3 है तो यहाँ पर मैं लगाऊँगा अभी। अटैक ज्वेल प्लेस कर देता हूँ ताकि हल्का सा अटैक बूस्ट मिल जाए एटलीस्ट। और एक ही अटैक ज्वेल है मेरे पास, जो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। यार कुछ भी हो, रजिस्टर ज्वेल प्लेस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इस पर भी। और इस यहाँ पर तीसरे वाले उसमें प्लेस करूँगा एक जंपिंग ज्वेल, जिससे मेरे को थोड़ा क्या कहते हैं इवेजन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाए। और इससे पहले देख सकते हो किसी ने ऑलरेडी क्वेस्ट ज्वाइन कर लिया है, तो स्टैंड बाय फॉर डिपार्चर करता हूँ मैं। तो शायद इस बंदे को भी तलाश थी ब्रैकिडियोस के क्वेस्ट की। तो चलो चलते हैं ब्रैकिडियोस को हंट करने। हंट करने से मेरा मतलब है कैप्चर करने। यूजुअली होता यह है कि कभी कभी रैंडम्स जो होते हैं गलती से मॉन्स्टर को ख़त्म ही कर देते हैं। तो देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। और इसके पास देख सकते हो यार फ्रॉस्ट क्राफ्ट है ऑलरेडी। ये कर दिया मैंने वॉल बैंक, रैंडम कुछ कर क्यों नहीं रहा अभी तक। अरे
अच्छा करना शुरू किया उसने। तो देख सकते हो यार रैंडम के पैलिको के पास भी अलग ही वेपन है। बहुत सही, मेरे पैलिको ने उसको स्टन कर दिया है। रैंडम बन जा तो है वो स्वॉर्ड एंड शील्ड यूज कर रहा है। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट। बच गया वो। फोरसाइट फिर से। बुरा मूव था वो। सवार हो चुका हूं मैं मॉन्स्टर पे। तो यार यहां पर देख सकते हो साइड में जो कस्टम डायलॉग था वो अभी पॉप अप हो रहा है। तो यही होता है कस्टम डायलॉग का, कभी भी कुछ भी मतलब उल्टा सीधा लिख सकते हैं। और यहां पर देख सकते हो जैसे ही मैं अरे यार मैच एक्साइटिंग हो रहा है। गया वे, शायद बच गया। हेल्थ बहुत कम है मेरे पास, जल्दी से पोशन पी लूंगा मैं और इसको मार दूंगा। ओहो उरागान भी आ चुका है। टर्फ वॉर होने वाला है इनके बीच में? नहीं शायद नहीं। चलो अच्छा है। एक बार फिर से सवार होने की कोशिश। नहीं अरे यार उम्मीद कर रहा था कि एटलीस्ट एक हेल्प ब्रेकर लग जाए। चलो खैर कोई नहीं। तो यार यहां पर देख सकते हो इसके बिल्ले के पास जो हथियार है वो है मियालोट ऑफ कॉकटेल। तो वो मियालोट ऑफ कॉकटेल कैसे हासिल करना है वो भी मैं किसी और क्वेस्ट में बताऊंगा। अरे बाप रे मैंने स्लाइम पे कदम रख दिया। पोशन पी लेता हूं जल्दी से। और इधर एक हेल्म ब्रेकर प्लीज। गेम बढ़िया। अरे यार याई स्पिरिट स्लैश का गेज खत्म हो गया मेरा, सही टाइम पे नहीं लगाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं।
फोरसाइट कर लेना चाहिए था। खैर स्टैमिना मेरा ख़त्म हो चुका है, एक पेटी रैशन खा लूँगा। और देखो यहाँ पर साइड में देख ही सकते हो फ्री मील स्किल जो है एक्टिवेट हो चुका है, तो इसका ये मतलब है कि वो जो राशन मैंने खाया वो मेरी इन्वेंटोरी से कम नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। ये देखो यार रैंडमली कहीं पर भी इसके क्या कहते हैं स्पॉन हो जाते हैं। तो एक बार फिर सवार हो चुका हूँ इस पर, मैं कोशिश करूँगा जितना डैमेज दे सकता हूँ मैं तू। अभी नहीं गिरूंगा मैं। तो जब भी जंपिंग वाले अटैक्स होते हैं ना तब यूजुअली मुझे ब्रेस करना पड़ता है, नहीं तो क्या कहते हैं बाकी के अटैक में मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। जंपिंग अटैक्स में पोजीशन चेंज करने पर स्टैमिना वगैरह वो यूजुअल रिडक्शन ही होता है। तो चलो यार ब्रैकिडियोस गिर चुका है नीचे, बेचारा रैंडम। पैरालाइज हो चुका है, सही मौका है, एकदम परफेक्ट हेल्प ब्रेकर लगेगा, बढ़िया। बहुत सही, टेंडराइज कर दूंगा इसी टाइम पे। देख ही सकते हो यार यहाँ पर मेरे को ब्लाइट लग चुका था, ब्लास्ट ब्लाइट, तो इसलिए मैंने रोल कर दिया। बहुत सही डॉज, उसके स्लाइम को देख सकते हो धीरे धीरे वो कलर बदल रहे हैं और गर्म होते ही फट रहे हैं, बढ़िया फोरसाइट था वो। हेल्म ब्रेकर की तैयारी, हेल्म ब्रेकर अटेम्प्ट सक्सेस, नाइस। फोरसाइट, फोरसाइट सक्सेस, थैंक्स बिल्ले। पूंछ हो चुकी है टेंडराइज। अरे यार ब्लास्ट ब्लाइट लग गया मेरे पे, चार रोल और पोजीशन एकदम परफेक्ट पोजीशनिंग है। अरे यार दहाड़ दिया उसने, फोर साइड काउंटर, नाइस। तो क्योंकि अभी वो नीचे की तरफ जा रहा है मैं कोशिश करूंगा जल्दी से एक बार कैंप में जा करके एक मील खा लूँ एटलीस्ट, क्योंकि मुश्किल होते जा रहा है इसे धीरे धीरे लड़ना। तब तक रैंडम संभाल लेगा। और इसी बहाने मैं यहीं पर एक क्या कहते हैं ट्रैप क्राफ्ट कर लूँगा क्राफ्टिंग लिस्ट में जा करके। अरे यार इसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा मुझे, खैर कोई दिक्कत नहीं।
कोई नहीं यार, क्या कहते हैं, वॉइस कनेक्ट है नहीं, तो यही तरीका है। फोर साइट कॉम्बो कंप्लीट। फोर साइट फिर से। अरे यार वो अभी थूक लगाने लगा एकदम। ओहो उरागान भी देखो आ चुका है यहाँ पे। उरागान भी अभी डैमेज देगा ब्रैकेट यूज को। और बिल्ले को देख सकते हो यार, मियालोट ऑफ कॉकटेल जो है वो कितना ज्यादा पोटेंट है। अरे भाई मुझे लगा मैं ऑलमोस्ट खत्म था। अरे नहीं बाप रे, कुछ ज्यादा ही खतरनाक मुकाबला हो रहा है इन दोनों के बीच में। अरे भाई नहीं, रैंडम भी डरा हुआ है। फिर से थैनोस की चिन का हमला। हर जगह ब्लास्ट ब्लाइट है यार इसके, स्लाइम खत्म ही नहीं हो रहे। फिर से ब्लास्ट ब्लाइट, देख ही सकते हो कहीं पर ब्लास्ट ब्लाइट मिल रहा है तो कहीं पर कुछ और। फोरसाइट नहीं यार, बहुत अरे ये चीज अच्छी नहीं लगती मुझे। दोनों ही ब्लास्ट वाले मॉन्स्टर। ओके ब्रैकिडियोस हो चुका है कमजोर। बहुत सही, बहुत ही ज्यादा सही। कर लेता हूं मैं इसको कैप्चर। नाइस। फिर ये रहता है रैंडम के साथ खेलने में बहुत मजा आया। और हाँ एक चीज और बता दो, ये जो स्टिकर्स है ये तुम कस्टमाइज कर सकते हो, है ना। तो कभी भी मतलब रैंडम के साथ खेलने में कम्युनिकेट वगैरह करना है तो तुम खुद के कस्टम डायलॉग्स भी कस्टमाइज कर सकते हो, और स्टिकर्स भी कस्टमाइज कर सकते हो, इमोट्स कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो गेम के अंदर हो वो कस्टमाइज हो सकता है, एक्सेप्ट ऑफ अटैक्स वगैरह ऑफ कोर्स। कोई भी कम्युनिकेशन वाला एक्शन जो है वो कस्टमाइज हो सकता है रेडियल मेन्यू पे। ओके तो वो हो चुका है, एक बार देखते हैं अभी। तो यार ये देखो चौथा स्लॉट आ चुका है मेरे पास यहाँ पे, और चौथा स्लॉट जो है वो आखिरी स्लॉट होता है। तो यहाँ पर मैं उगाना चाहूँगा मशरूम। कौन सा मशरूम? मैंड्रागोरा पता नहीं कुछ तो भी मशरूम है वो, तो जो भी है मैंड्रागोरा मैंने यहाँ पर उगा दिया है। तो देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास स्लीप हर्ब है, मेरे पास हर्ब है, मेरे पास हनी है। तो यार एक और चीज़ है, स्लीप हर्ब की जगह मैं बिटर बग डालूंगा यहाँ पे। वो क्यों डालूंगा मैं तुमको अभी बताऊंगा एक सेकेंड में। और हर्ब की जगह मैं डालूंगा ब्लू मशरूम। क्यों बताता हूँ मैं? तो यार मैंने गेम में एक और पोशन के बारे में बताया था जो है मैक्स पोशन। मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर देख सकते हो ये है मैक्स पोशन। इसका काम रहता है यहाँ पर देख सकते हो, फुली रिस्टोर हेल्थ एंड मैक्सिमाइज द साइज ऑफ योर हेल्थ गेज। तो उसके लिए क्राफ्ट करने के लिए चाहिए होता है मेगा न्यूट्रिएंट्स और मैंड्रागोरा, ठीक है। और मेगा न्यूट्रिएंट्स को क्राफ्ट करने के लिए चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स और हनी, और न्यूट्रिएंट्स को क्राफ्ट करने के लिए चाहिए होता है बिटर बग और ब्लू मशरूम। तो एक तो मैंने बिटर बग और ब्लू मशरूम क्राफ्टिंग पे लगा दिया, क्राफ्टिंग नहीं वही हार्वेस्टिंग पे लगा दिया है। हनी भी मेरे पास हार्वेस्टिंग पर है, और उसके बाद मैंड्रागोरा मशरूम भी मेरे पास हार्वेस्टिंग पर है। तो हर चीज़ हार्वेस्टिंग पर है, ठीक है। मैनेज आइटम्स में जाऊँगा, रीस्टोर कर लूँगा मैं जो भी अपना हेल्थ का वो है। और यहाँ पर देखते जाओ मैं क्या डालता हूँ। चलो मेगा पोशन भी रीस्टोर कर ही लेते हैं, एंटीडोट रहने देते हैं, हॉट ड्रिंक ठीक है, रेशन की मेरे को ज़रूरत नहीं है। रेशन को अगर मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ तो ठीक है। तो
अभी मेरे को ज़रूरत है किस चीज़ की? मेरे को चाहिए मैंड्रागोरा मशरूम। देखता हूँ मेरे पास कितने पीसेस पड़े हुए हैं। पैराश्रूम है, ये सब है, चलो वो छोड़ो, न्यूट्रिएंट्स उठा लूँगा मैं 5, और मैंड्रागोरा मशरूम देखता हूँ कहाँ पर है, यहाँ पर। और मेरे पास ऑलरेडी 10 मैंड्रागोरा मशरूम है, तो इसका मतलब ये है मैं गेम के अंदर मैक्स पोशन जो है वो 5 क्राफ्ट कर सकता हूँ। एक और तरीका होता है चीज़ें क्राफ्ट करने का, केल्बी हॉर्न्स को मैं हार्वेस्ट कर सकता हूँ, और केल्बी हॉर्न्स को शायद डैश जूस या फिर डैश जूस तो नहीं, कुछ तो भी एक्सट्रैक्ट के साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो कौन सा एक्सट्रैक्ट है, शायद मेरे पास हो ना हो वो नहीं पता, नरिशिंग एक्सट्रैक्ट। अगर मैं इसको इसके साथ मिला दूँ, नरिशिंग एक्सट्रैक्ट और केल्बी हॉर्न को, तो मेरे पास एक और टाइप का पोशन बनता है, यहाँ पर देख सकते हो, सर्टेन लार्ज मॉन्स्टर्स हैव द एबिलिटी टू एम्पलीफाई द इफेक्ट ऑफ सर्टेन मेडिसिन। तो मैक्स पोशंस को मैं और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकता हूँ, तो बेसिकली ये काम होता है इनका। तो इसको भी रहने देते हैं, नरिशिंग एक्सट्रैक्ट वगैरह बाद में क्राफ्ट कर लेंगे, केल्बी हॉर्न्स भी बहुत सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो भी हो चुका है। तो यार एक और चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो ऑफ स्क्रीन मैंने खेला था, और वो है पहले बिल्ले से बात कर रहे थे, बिल्ला बोलता है म्याओ 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 म्याओ, खैर बिल्ला बोलता है न्यूज़ बड़ा है और इसको चाहिए ट्रेल राइडर सफारीज। तो ट्रेल राइडर सफारीज के बारे में मैं तुम्हें बता दूँ, मैं जैसे ही एक बार थर्ड फ्लीट के कैंप में गया था, तो थर्ड फ्लीट के कैंप में बस एक बुड्ढी से बात करना था और उसने ट्रेल राइडर सफारीज अनलॉक कर दिए मेरे लिए। तो बेसिकली ट्रेल राइडर सफारीज क्या है वो मैं बता देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर पे, और चौधरी सपोर्ट स्क्वाड, आइरीन्स एयरफोर्स इन्फो और एरो जॉसलेयर्स इन्फो, ये लोग जो क्या है ना, ये बेसिकली अभी तुम्हारे सर्वर पे जितने भी लोग हैं उनके बिल्ले हैं। इनफैक्ट तुम्हारे भी बिल्ले बाकी के लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो बेसिकली क्या कर सकते हैं ना, तुम इन बिल्लों को भेज सकते हो कहीं ना कहीं पे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। मान लो तुम्हें मॉन्स्टर्स के पार्ट चाहिए और तुम्हें मॉन्स्टर्स को मारने के लिए भेजना है, तो इस तरीके से तुम बिल्लों को भेज सकते हो पार्ट कलेक्ट करने के लिए। मतलब तुम पैसिव हंटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम बाद हंटिंग जो है रिपीटेटिव होने लगता है, लेकिन इसके बाद पैसिव हंटिंग भी आ जाए। तो ये एक और मैकेनिक है गेम का। मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम से मैं गेम के मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सब अभी समझना ज़रूरी है, क्योंकि अचानक से एक बार पे बहुत सारे मैकेनिक एक साथ खड़े हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या देखते हैं मुझे क्या क्या चाहिए। पहले मैं जाता हूँ, क्योंकि नारगा कोगा के कुछ पार्ट्स मिल रहे हैं, पावलूमू के कुछ पार्ट्स मिल रहे हैं, और केल्बी हॉर्न्स वगैरह भी मुझे मिल रहे हैं, तो इसको मैं भेज देता हूँ ट्रेल राइडर पे। ठीक है यार, अब क्या करना है मेरे को, अब मुझे एक बार स्मिथि के पास जाऊँगा मैं, और एक और चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा, फोर्ज इक्विपमेंट में जा करके अगर मैं आर्मर्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो वेलकाना के मैंने 3 पीस ऑलरेडी अनलॉक कर लिए हैं, तो अभी बस चौथा पीस बाकी रहता है, जो कि है वेलकाना का हेलमेट। तो देर किस बात की यार, चलो कर लेते हैं वेलकाना का हेलमेट अनलॉक। ठीक है, तो 4 पीस वेलकाना आर्मर अनलॉक हो चुके हैं, तो कर लेते हैं वेलकाना का क्या कहते हैं, वेलकाना का आर्मर सेट रेडी अपने लिए इक्विपमेंट्स में, और फिर चल लेंगे अपने नेक्स्ट हंट्स पे। राइन गार्ड नारगकुगा का लास्ट जो है वो देखता हूँ उसमें क्या मुझे मिलता है, ईवेड विंडो शायद मेरे पास काफी कम है, ओके इसमें सिर्फ ईवेड विंडो 1 मुझे मिलता है, और नारगकुगा के चेस्ट में मुझे मिल रहा था ईवेड विंडो लेवल 2। तो ठीक है यार, वेलकाना के लेग्स भी क्राफ्ट कर लेंगे, और देख ही सकते हो वेलकाना को जो आर्मर है अलग ही लेवल पे है, ठीक है। तो वेलकाना के लेग्स के लिए चाहिए था मुझे ओडोगेरोन का मेंटल, तो उसके लिए मुझे ओडोगेरोन फार्म करना पड़ेगा, या फिर मैंने जो तुम्हें बताया था एल्डर मेल्डर के पास मैं जाके चीज़ों को क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं मेल्ड आइटम्स में जाऊँगा और यहाँ पर जाऊँगा मॉन्स्टर पार्ट्स में, तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे मॉन्स्टर पार्ट्स है, और यहाँ पर है ओडोगेरोन मेंटल, उसको क्राफ्ट करने के लिए मेरे को चाहिए सेलेस्टियल वाइवन प्रिंट।
बहुत ही ज़्यादा रेयर मटेरियल होता है, जब भी मिलता है सोच समझ के इसको यूज़ करना, ठीक है। सेलेस्टियल वाइवर प्रिंट मेरे को तब मिला है जब मैं सारे डिलीवरीज, जो एक दिन में जो क्वेस्ट टारगेट होता है डिलीवरीज का, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो जब कंप्लीट किया था तभी मुझे मिला था सेलेस्टियल वाइब्रेंट प्रिंट। तो मैं इसको इस्तेमाल करके ओडोगेरोन का मेंटल क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो ये हो चुका है मेरे पास ओडोगेरोन का मेंटल क्राफ्ट, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कौन सी डिलीवरीज कंप्लीट करने पर मुझे ये सब चीज़ें मिली थी। मैं जब इसके पास जाता हूँ ना, तब यहाँ पर देख सकते हो रजिस्टर बाउंटीज में, क्रिटिकल में जो भी है और लिमिटेड में जो भी है। तो अगर मैं सारे लिमिटेड कंप्लीट कर दूं, यहाँ पर देख सकते हो जनरल लिमिटेड बाउंटी, ये सब कंप्लीट करने पर मुझे एक सेलेस्टियल वाइवेरियन प्रिंट मिलता है। तो यहाँ पर जितने भी मेरे पास लास्ट टाइम आए थे वो मैंने कंप्लीट किए थे और उससे मुझे वाइवेरियन प्रिंट मिल गया था, ठीक है। तो वो मैंने कर लिया है यूज़। अब नेक्स्ट टाइम मेरे को अगर कोई रेयर आइटम चाहिए होगा और हंट में मुझे मिल नहीं रहा होगा तो मैं उसको फिर से यूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले वेल्काना का फुल पीस मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ओडोगेरोन के साथ वो मुझे मिक्स एंड मैच करना है। ओडोगेरोन नहीं, नारगाकुओ के साथ। तो इसको मैंने कर लिया है इक्विप और मुझे चेंज करना है कुछ, मुझे चेंज करना है चेस्ट पीस। चेस्ट पीस मुझे नारगाकुओ का ही चाहिए क्योंकि मुझे डबल ईवेड विंडो वहाँ पर मिल रहा है। तो ठीक है यार, ये हो गया। एक बार डेकोरेशन भी सेट कर लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास हेल्थ बूस्ट कम है, तो सबसे पहले तो वाइटैलिटी को मैं इक्विप करूँगा। और कहाँ गए वाइटैलिटी, यहाँ पर है। तो कर लिया मैंने वाइटैलिटी को इक्विप, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो क्रिटिकल ड्रॉ भी है, फोकस नहीं है मेरे पास, क्योंकि फोकस जो है वो चेस्ट पीस में मिलना था। अब मैं कन्फ्यूजन में हूँ, तो ठीक है फिर से चेक करेंगे नारगाकुओ का और कौन सा पीस था जो अच्छा खासा, क्या कहते हैं, अच्छा खासा स्टेटस देता था। नारगाकुओ इसमें स्टैमिना सर्ज मिलता है मुझे, इसमें ओके, इसमें नारगाकुओ का पीस है ही नहीं मेरे पास। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहे तो यहाँ से भी इक्विपमेंट चेंज कर सकता था, पता नहीं मैं वहाँ पर क्यों गया। तो यार चलो फोर पीस वेल्काना आर्मर ही बना लेते हैं और देखते हैं ईवेड विंडो से मेरे पास रिलेटेड कुछ मटेरियल होगा कि नहीं। चलो जाने दो, डेकोरेशन से ही बना लेंगे, ठीक है। तो वाइटलिटी मेरे पास पूरी हो चुकी है, ठीक है। हेल्थ बूस्ट पूरा मुझे मिल चुका है, डिवाइन ब्लेसिंग लेवल 2 पर है। अटैक की जगह अगर मेरे पास यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग हो तो चेक करते हैं। प्रोटेक्शन है, यहाँ पर प्रोटेक्शन है लेकिन और कहीं पर नहीं है। खैर कोई दिक्कत नहीं, बाकी मुझे जो चाहिए वो है ईवेड विंडो। तो स्किल्स में जाऊंगा, ईवेड विंडो की तलाश करूंगा मैं। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे ईवेड विंडो वाले स्किल्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं सैटिएटेड उठाऊंगा, क्योंकि फ्री मील मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या है, ड्रेन इवेजन, रिफ्रेश इवेजन, तो ये उठाता हूँ मैं। ईवेड विंडो अभी लेवल 2 पर आ चुका है, लेवल 3 भी कर लूँगा मैं। लेवल 3 में ट्राई करूँगा मैं, रिफ्रेश इवेजन तो हो ही चुका है, ड्रेन इवेजन ही उठा लेता हूँ मैं। और लेवल 4 अगर मुझे ईवेड विंडो मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन लेवल 4 के लिए मेरे पास अभी कुछ है नहीं। फोकस अभी तक मेरे पास आया नहीं है, और फोकस मैं तुम्हें बता दूँ क्यों चाहिए होता है। ग्रेट स्वॉर्ड के लिए, चार्जिंग के लिए फोकस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है। तो यहाँ पर क्रिटिकल ड्रॉ तो है लेकिन फोकस नहीं है, उसके लिए भी अलग तरीका है बनाने का। फ्रेंडशिप इवेजन चलो यही डाल लेते हैं, और लास्ट में मैं डालना चाहूँगा एंटी पैरालिसिस। डिफेंस के सारे स्किल है लेकिन चलो इसमें मैं डालता हूँ एक्सपर्ट ज्वेल, जो कि ग्रेट स्वॉर्ड के लिए अच्छा है। फोकस देखता हूँ मेरे पास होता है कि नहीं, देखकर तो लगता नहीं है। क्विक शीथ वगैरह भी नहीं है मेरे पास,
बने रहो यार। अच्छा फोकस है मेरे पास यहाँ पे, चार्जर वाइटैलिटी। तो यहाँ की जगह मैं क्या करूँगा, एक चार्जर वाइटैलिटी डाल दूँगा। लेकिन वही दिक्कत है, चार्जर ज्वेल एक ही है मेरे पास, तो डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस बनाएगा नहीं वो। तो स्लॉट लेवल 2 में देखते हैं क्या क्या है, अगर कुछ अच्छा होगा तो वही डाल देंगे। जंपिंग है मेरे पास, वार्मिंग भी है मेरे पास, चलो जंपिंग डाल देते हैं। यहाँ पर देखता हूँ और कुछ होगा तो, रेजिस्टर अच्छा स्किल है, चलो वही डाल देता हूँ मैं। और तो और सबसे मेन बात तो मैं भूल ही गया, क्योंकि मैं फ्रॉस्ट क्राफ्ट यूज़ कर रहा हूँ, वेलकाना का आर्मर यूज़ कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं लॉन्ग सॉर्ड के साथ खेलूँ। एक बार वेलकाना के आर्मर का स्किल सेट भी देख लेता हूँ मैं, क्या है क्या नहीं। हेलमेट में अगर मैं देखूँ तो क्या क्या है मेरे पास, डिवाइन ब्लेसिंग है, तो हेलमेट को मैं चेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। लेकिन हेलमेट के जो ज्वेल के स्लॉट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो यार, इवेजन विंडो 2 मिल रहा है मुझे पेंगुइन के हेलमेट पे, तो मैं चेंज करके वही लगा लेता हूँ। बाकी चार के चार फ्रॉस्ट क्राफ्ट के रखता हूँ मैं, तो डेकोरेशंस यहीं पर लगाऊंगा मैं। ड्रेन एक्सपर्ट ये भी ठीक है। इवेजन विंडो देखता हूँ क्या क्या है मेरे पास। इवेट विंडो लेवल 5 है, जो कि ज़्यादा है, तो मैं इसको हटाता हूँ। फिर भी इवेजन विंडो 5 है, देख ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2, 3, 4, 5 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ज़्यादा है। अभी करता हूँ तो 4 है, ठीक है। तो वाइटैलिटी में कर लेता हूँ एक बार, फोकस और वाइटैलिटी का जो ज्वेल था, चार्जर वाइटैलिटी। और यहाँ के लिए मैं डाल देता हूँ रिकवरी ही सही, ठीक है। और मैं इसको सेव कर दूंगा, लोड आउट बन चुका है मेरा, और इसको मैं नाम दूंगा फ्रॉस्ट क्राफ्ट। और फ्रॉस्ट क्राफ्ट में मैं यूज़ करना चाहूँगा जो फ्रॉस्ट क्राफ्ट का सबसे बेस्ट वेपन है, वह है ग्रेट स्वॉर्ड। फ्रॉस्ट क्राफ्ट के लिए क्यों ग्रेट स्वॉर्ड सबसे बेस्ट है वो भी मैं तुम्हें बताऊँगा। तो चलो यार, वो बताने के लिए फाइनली चलते हैं हंट पे, ठीक है। और अभी तो लिखा है एल्डर्स रिसेस में जाने के लिए, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। सबसे पहले मैं चलूँगा इवेंट क्वेस्ट में, और इवेंट क्वेस्ट में मैं लड़ूँगा किससे, वेलकाना से। USA साइन इन फॉर एवर वेल, लेकिन वेलकाना से लड़ने की ज़रूरत है नहीं, अभी सारे चीज़ें बन चुकी है। तो यार किससे लड़ना है अभी, खैर कोई नहीं, ऑप्शनल क्वेस्ट एक दो कर लेते हैं। मिसफॉर्चून इन द फॉरेस्ट, नोबल फ्रॉस्ट हंटर, ओके। ये करने के लिए एक बार देख लेते हैं कि क्या चीज़ क्राफ्ट करना ज़रूरी है, जो कि अभी मेरे को सबसे ज़्यादा लग रहा है कि ग्रेट स्वॉर्ड क्राफ्ट करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फोर्ज इक्विपमेंट में जाऊँगा, वेपन्स में जाऊँगा, देखते हैं कौन सा ग्रेट स्वॉर्ड है, ताकि मैं अंधाधुन किसी को हंट ना करूँ, एक टारगेटेड हंट पे जाऊँ मैं। यहाँ पर देख सकते हो पूके पूके का ग्रेट स्वॉर्ड पॉइजन में अच्छा स्टैट्स देता है, या फिर ओगर्स जो भी अच्छा स्टैट देता है। और अचानक से वो बैकग्राउंड साउंड के लिए वीडियो कट करके फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा मुझे, खैर कोई दिक्कत नहीं। कहाँ था मैं, हाँ नया वेपन क्राफ्ट करने की तैयारी। तो बेसिकली जो मुझे अभी दिख रहा है या फिर जो मुझे लगता है क्राफ्ट करना सबसे बेस्ट रहेगा, यहाँ पर तुम देख ही सकते हो वेलकाना की तलवार तैयार है, तो इसको पहले मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इक्विप तो अभी करना नहीं है मुझे, या फिर कर भी लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं अपग्रेड ट्री में जाता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ ऑगर जो की जो तलवार है, तो टाइग्रेक्स की एक तलवार है जो कि क्राफ्टेबल है। नेक्स्ट इसको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ यहाँ पे, अच्छा है। इक्विप नाउ, यस कर ही लेता हूँ इसको। और यहाँ पर देख सकते हो वेलकाना की जो तलवार है वो क्राफ्टेबल है। नेक्स्ट वेलकाना के कुछ और चीज़ें चाहिए, और कुछ और चीज़ें मतलब स्कल्प्ट करने के लिए चाहिए, लेकिन
वेलकाना की तलवार क्योंकि क्राफ्ट हो चुकी है, और मैंने जैसे बोला था क्वेस्ट जो है टारगेटेड रखना है, लेकिन क्योंकि वेलकाना की तलवार अभी क्राफ्ट हो चुकी है तो चलो कुछ लोगों की क्वेस्ट में मदद कर लेते हैं। तो मैं ज्वाइन क्वेस्ट करूँगा, रिस्पॉन्ड में जाऊँगा और देखूँगा ऑप्शनली किसके पास क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हो यार, एक नारगा कुगा से लड़ रहे, इन्वेस्टिगेशन में देख सकते हो ओडोगेरोन है और वेलकाना है। तो यार वेलकाना तो है, तो एक बार फिर से वेलकाना के उस पर चलते हैं। और वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे है वेलकाना, तो बहुत ही अजीब बात है ये, लेकिन चल ही लेते हैं। फेल टू को यार, जब भी कुछ दिखाने जाता हूँ कुछ होता नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो यार, किरीन का क्वेस्ट है, गॉन इन अ फ्लैश। किरीन जो है एक नया मॉन्स्टर है, तो उसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो जाने से पहले सबसे पहले तो मैं कर लूँगा मील एज यूजुअल। ठीक है, और अभी मैं तुम्हें बताऊँगा फ्रॉस्ट क्राफ्ट जो है वो ग्रेट स्वॉर्ड के लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ क्यों है। और हाँ एक और चीज़, अगर मैं ग्रेट स्वॉर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे शेवर चार्म की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं कोई और चार्म भी इक्विप कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो क्वेस्ट का सीरीज़ होगा वो चार्म को अपग्रेड करने में लगाएंगे। तो यार देख सकते हो अभी मेरे हेल्थ बार और स्टेमिना बार के नीचे शार्पनेस बार भी है, लेकिन उसके बाद एक फ्रॉस्ट बार भी आ चुका है। तो बेसिकली वो फ्रॉस्ट बार क्या करता है ना, मेरे जो वेपन का डैमेज है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे वो मीटर बढ़ता है वो डैमेज इंक्रीज होता रहता है। और जैसे जैसे मैं स्वॉर्ड को अटैक स्वॉर्ड से अटैक करता हूँ वो मीटर जो है वो डिक्रीज होता है। तो यार देख सकते हो नया मॉन्स्टर है ये, टेक्निकली यूनिकॉर्न है बस। और जैसे ही मैं शीथ करता हूँ वेपन को, देख ही सकते हो डैमेज कितना ज़्यादा है। बहुत ही बड़ा डैमेज पड़ा है इसको, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा इसको। अरे यार झटका दे दिया इसने। तो यार किरीन एक और एल्डर ड्रैगन है, ठीक है, और इसको मारना बहुत ही खतरनाक है। तो सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि इसके स्किन को मैं टेंडराइज कर दूंगा। तो देख ही सकते हो का डैमेज किया है। सच कहूं तो इतना खास है नहीं। अरे मैं ये क्या कर रहा हूं, चलो यार एक नया मॉन्स्टर मिला। और किरीन एक एल्डर ड्रैगन है, वैसे सच को तो एल्डर घोड़ा है। लेकिन किरीन, अगर किरीन के पार्ट से मैं कोई नया चार्म वगैरह तो क्राफ्ट आराम से कर ही सकता हूँ, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो वेपन में पोज करके बैठे हैं, मैं भी कर सकता हूँ ये, जेस्चर्स में जाऊँगा और वेपन पोज मेरे पास होगा, पोजेस में जाऊँगा, वेपन पोज, नाइस। तो इसको भी शॉर्टकट पे लगाया जा सकता है, जो मैंने लगाया नहीं है। वो बंदा स्वॉर्ड एंड शील्ड यूज़ कर रहा है, ये बंदा नया लग रहा है क्योंकि वो किरीन को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एल्डर ड्रैगन को या फिर कह सकते हो एल्डर घोड़े को ट्रैप नहीं किया जा सकता। ओके, किरीन का हंट हो चुका है यहाँ पे।
तो यार एक बार ये हो जाए तो एक और क्वेस्ट पे निकलते हैं अभी, जो कि स्पेशल असाइनमेंट पे है, नो रिमोर्स नो सरेंडर। इसमें टियोस्ट्रा और लुनास्ट्रा से एक साथ लड़ना पड़ेगा और मैं लड़ने जा रहा हूँ इन दोनों से ग्रेट स्वॉर्ड के साथ। तो अभी लगने वाली है अच्छे से। खैर कोई दिक्कत नहीं, चेंज इक्विपमेंट। शेवर चार्म की जगह मैं यूज़ करूँगा शीथ चार्म। ओके, क्विक शीथ के लिए मेरे पास चीज़ें हैं। देखता हूँ एक बार शीथ चार्म जो है मैं अपग्रेड कर सकता हूँ कि नहीं। कर दिया तो यार मज़ा आ जाएगा, क्विक शीथ मेरे पास अच्छा खासा आ जाएगा। अपग्रेड इक्विपमेंट में जाऊँगा, चार्म्स में देखूँगा। यही है क्या? ये तो डिफेंस चार्म है। सॉर्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ से, कैटेगरी में जाके आर्मर में जाऊँगा और कैटेगरी में जाके चार्म्स में सॉर्ट आउट कर दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो क्विक सी चार्म्स मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। बहुत सही। एक और बार नहीं, उसके लिए जेनोजीवा की चीज़ें चाहिए। खैर कोई दिक्कत नहीं, क्विक शीट टू भी बहुत है मेरे लिए। तो थायरा देखो यार फिर से आ चुका है, तो लो चल लेते हैं। और बेस्ट बात मैं तुम्हें इस क्वेस्ट का बता दूँ, इस क्वेस्ट में अपने को एक स्पेशल टूल मिलने वाला है, अगर तुम्हें याद होगा। ओके, थायरा ने विथड्रॉ कर लिया क्वेस्ट से। खैर कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें याद होगा तो अपने को हंट्समैन ने बताया था कि इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद अपने को एक स्पेशल टूल मिलना है। तो यार चल लेते इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने। टियोस्ट्रा से लड़ेंगे, टियोस्ट्रा के साथ अगर लुनास्ट्रा आ गई तो बस लग गए, फिर देखेंगे इस क्वेस्ट में कितनी बार मरते हैं। नलबेरी भी उठा लिया है मैंने। क्रिस्टल बर्स्ट उठा लेता हूँ, क्योंकि पत्थर जो है यूजुअली बहुत कमज़ोर स्लिंगर एमो होता है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ यार टियोस्ट्रा बस बार बार ज्वालामुखी के अंदर ना जाए, क्योंकि अगर वैसा हुआ तो एक तो वैसे ही मेरा पैसिव हेल्थ ड्रेन होने लग जाएगा। पी लेता हूँ मैं कूल ड्रिंक। और तो चलो यार टियोस्ट्रा सामने ही है, ज़्यादा अंदर नहीं है, चलो हाय बोल कर आते टियोस्ट्रा को। अरे भाई नहीं, ये बुरा हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। शायद दोनों को टक्कर दे सकता हूँ मैं, बढ़िया। नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड मेरे को मारने नहीं देगी। तो यार ग्रेट सॉर्ड का यही है, बस हिट एंड रन करो। एक बार बस टेंडराइज कर दूं। यार फिर से नहीं, देख ही सकते हो वहां पर उसने ब्लास्ट ब्लाइट फैला रखा है, तो बचना मुश्किल है। के लुनास्ट्रा बाहर जा रही, शायद नहीं जा रही। डॉज रोल कर लिया है मैंने इसके अटैक को, बहुत ही वाहियात मूव सेट लगते हैं मेरे को लुनास्ट्रा के। अच्छा शॉट था वो, और लुनास्ट्रा मेरे ही ऊपर है। पूरा अटैक नहीं था, कैसे मैं उसकी तरफ गया भी नहीं। ओके, बॉन्डेड विथ टियोस्ट्रा। नहीं यार मेरे को रुकना ही नहीं यहां पर।
कैसा अटैक था ये? सुपरनोवा था ये तो? और मेरी हेल्थ लगातार खत्म होती जा रही है यार, देख ही सकते हो, क्योंकि मेरे पे ब्लू फायर लगा हुआ है। ओके तो यार ये फिर से आ गया पीछे। बुरा नहीं था। फिर से डॉज रोल। अरे नहीं, व्यवस्था तो नीचे गिर चुका है। कोशिश करता हूं इसके पंखों को तोड़ सकूं। नहीं यार, तो यही चीज मुझे बहुत बुरी लगती है इस क्वेस्ट की, इन दोनों से एक साथ लड़ना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। इनफैक्ट यही रीजन था ये क्वेस्ट मैंने हाई रैंक पे अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत ही अनफेयर फाइट है ये। पर ये शायद इकलौता ऐसा क्वेस्ट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ते ही नहीं है। पता नहीं टियोस्ट्रा खुद को किंग किस दम पे बोलता है। लग गए फिर से, स्टन हो चुका हूं मैं। बहुत सही, बहुत सही। डाइव रोल। किसी एक पर लैच होके यार कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं मैं। पेंट होने वाला हूं मैं। किस्मत अच्छी थी। एक और बार। बहुत सही, बहुत सही। इन दोनों को मारने के बाद जो स्पेशलाइज्ड टूल मिलना चाहिए, होपफुली वो वर्थ इट हो यार, क्योंकि इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद अगर स्पेशलाइज्ड टूल ही टट्टी मिले। बढ़िया शॉट था वो। नफरत है मेरे को लुनास्ट्रा से। चलो यार टियोस्ट्रा गया, इससे अकेला लड़ना है अभी मेरे को। इधर आ लुनास्ट्रा, तेरा पति नहीं है इधर आज तेरे को बचाने के लिए। टेंडराइज कर दूंगा यार। नहीं यार, बहुत क्लोज था मैं। और देख सकते हो यार फिर से एक ही जगह पर चले गए वो दोनों। एक ही तरीका है, गिली मैंटल लूंगा और उनके ऊपर कुछ पत्थर वगैरह गिरा दूंगा मैं। होपफुली वो चीज़ काम कर जाए, करना तो चाहिए। देख सकते हो वहाँ पर पत्थर है, तो पहले पत्थर पे मैं शॉट लूँगा। देखो यार पत्थर गिर चुका है उसके ऊपर।
बढ़िया शॉट था। टियोस्ट्रा के पार्ट टूट चुके हैं, टियोस्ट्रा खत्म। बहुत सही, इधर आ लुनास्ट्रा, इधर आ, इधर आ। तेरे शोहर को तेरे सामने मारा, क्या कर लेगी तू? ये ले क्रिस्टल बस, हट। एक और टेस्टा को लूट ही लेता हूं। खैर कोई दिक्कत नहीं, ये कैसे आग के गोले हैं यार? बहुत ही अजीब से। और इसके हर अटैक से ये मूव, अरे यार कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं मैं। बिल्ले हेल्प कर मेरी। स्पैम है यार ये तो। धन्यवाद बिल्ले, आभारी रहूंगा मैं तेरा इस चीज का। एक ही चीज मिली, और भी चीज खा लेता हूँ। बहुत हो गया यार, चीजों को छोड़ता हूँ मैं। इधर देख, इधर आ लुनास्ट्रा। क्रॉसक्राफ्ट चार्ज है, नाइस। ये कैसा अटैक था? पास आ, कुछ होने वाला तो है नहीं। चलो टियोस्ट्रा की लाश भी गायब हो चुकी है। कूल ड्रिंक पी लेता हूं मैं, क्योंकि कूल ड्रिंक सिर्फ से ही नहीं बचाता, लुनास्ट्रा के इन फ्लेम से भी बचाता है। इधर आ बिल्ले, कुछ ज्यादा ही अनोइंग एल्डर ड्रैगन है ये। और अनोइंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, क्योंकि एक तो विंड प्रेशर है इसके पास, इवन कुशाला डियोरा से भी ज़्यादा अनोइंग है। मैं ये बोलूँगा मुश्किल नहीं है लुनास्ट्रा, मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि लुनास्ट्रा मुश्किल है, लुनास्ट्रा बस अनोइंग है फालतू के रीजंस के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो इसके पास विंड प्रेशर है और पैसिव डैमेज है, और पैसिव डैमेज जब तक होता रहता है विंड प्रेशर भी उसके साथ रहता है, तो इसका मतलब ये है चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते डैमेज लेने के अलावा। एक बार चढ़ गया ना इसके ऊपर, अभी एक बार इसको गिराऊंगा ना, उसके बाद इसको गंदा डैमेज दूंगा। आज दो एल्डर ड्रैगन्स की मौत होगी मेरे हाथों से। अरे क्यों यार, मैंने तो चार्ज अटैक किया ही नहीं। एक नहीं यार, गलत जगह पे लग गया। बहुत सही, टेंडराइज कर दूंगा मैं इसको। साथ में इसका हो चुकी है फिलहाल, खैर घबराने की कोई बात है नहीं। इधर पासा, पासा पास नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। किसी की बात कर रहा हूं, देखो
बस पैसिव डैमेज ही देना आता है इसको। कर ही क्या सकते हैं, फीमेल एल्डर ड्रैगन है तो फीमेल वाली हरकतें हैं। पैसिव एग्रेशन। नहीं यार, ये अरे बाप रे, लगा नहीं था मेरे को इतना खतरनाक आएगा ये अटैक। बस खत्म। नहीं, ओ बढ़िया। इधर आ लुनास्ट्रा, इधर देख। ऐसे नहीं, कल लुनास्ट्रा भी कमजोर हो चुकी है, उसका पैसिव एग्रेशन घटा दिया मैंने। टाइम है इसको वेक अप हिट देने का। और इसको अपने स्लम्बरिंग स्लीव से उठाने में बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसकी तो मैं गारंटी देता हूं। पहले जाने देते हैं इसको, क्योंकि मैं इसके सोने का वेट करूंगा और जैसे ही उठती है डैमेज पे डैमेज दूंगा। स्टैमिना कम हो चुका है देख ही सकते हो, बारबेक्यू बना लेता हूं। खैर अजीब सी बात है, यहां पर भी मेरे को फ्राइंग पैन निकालना पड़ रहा है। फ्राइंग पैन नहीं, मतलब मेरा बारबेक्यू बनाने वाला अंतर, कुछ भी कहना चाहो उसको। टेओस्ट्रा बेचकर सो रही है लुनास्ट्रा, तो यार चलो इसकी नींद खराब कर देते हैं। ओके, यहां पर एकदम यहां पर मारूंगा मैं। थाउजेंड का शॉट, लुनास्ट्रा खत्म। तो यार बहुत 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 ही ज्यादा अनफेयर हंट था ये। दो ड्रैगन्स, दो एल्डर ड्रैगन्स वर्सेस एक अकेला मैं। सबसे पहले मैं तो ये बोलूँगा यार, लुनास्ट्रा बहुत ही ज़्यादा अनोइंग थी। मुश्किल मैं कभी नहीं बोलूँगा लुनास्ट्रा को, क्योंकि वो मुश्किल नहीं है, लुनास्ट्रा सिर्फ अनोइंग है। और टेओस्ट्रा और लुनास्ट्रा जब एक साथ मिलके जो उन्होंने कंबाइंड अटैक किया था, वो तो जिस तरीके से हेल्थ ड्रेन हुआ मेरा उस टाइम पे, लगा नहीं था कि मैं बच पाऊँगा, बट बच गया किसी तरीके से। खैर जो भी है यार, हंट मज़ेदार था। तो यार देख ही सकते हो फ्रॉस्ट क्राफ्ट का क्या कमाल है। यही रीज़न था मैं वेल्काना का ये फ्रॉस्ट क्राफ्ट वाला आर्मर क्राफ्ट करना चाहता था, ताकि क्या कहते हैं, जो कि फ़ायदा मिले, जो ग्रेट स्वॉर्ड का जो पूरा फ़ायदा है वो मैं उठा सकूं। ओके, अभी ये एक बार हो गया, तो मुझे एक बार हंट्समैन से मिलने जाना पड़ेगा। तो हंट्समैन बोलते हैं, वंडरफुल वंडरफुल, टू रिपोर्ट टू द गिल्ड अबाउट बोथ टेओस्ट्रा एंड लुनास्ट्रा इज अ ह्यूज विन फॉर द रिसर्च कमीशन। योर मास्टरफुल टेक्निक श्योरली डिजर्व्स अ स्पेशल रिवॉर्ड।
but what shall I bestow upon you? I'm thankful. I know. Allow me to give you the specialized tool that the analytics director conjured upon. He said that he studies my movements in combat, and from it produced this device. He gave it to me hoping I would try it, but I'm an old-time hunter. I'm no good with all these new technology. However, I think someone like you, who's already accustomed to the new world style of hunting, can use this to its full potential. Go on, then. You are the Research Commission's true Sapphire Star. I pray that you light the way for all of us in the years to come. तो यार मैथ में बता ओ टेम्पोरल मेंटल. टेम्पोरल मेंटल किस चीज़ के लिए है वो नेक्स्ट हंट में पता चलेगा. लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ यार, जो हंट्समैन थे वो बेसिकली पूरे मॉन्स्टर हंटर सीरीज़ के सबसे पावरफुल हंटर थे कैनोनिकली, और उनको सरपास करने वाला सिर्फ मैं हूँ. सिर्फ मैं का मतलब है कि अगर तुम भी मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड खेल रहे हो तो अपना जो हंटर है सिर्फ वही उनको सरपास करा है. तो यार चलते हैं एक नए क्वेस्ट पे, देखते हैं ऑप्शनल में क्या क्या है, या फिर देखते हैं कि किसी को हेल्प चाहिए कि नहीं. तो ये मैं तुम्हें बता दूँ, ये शायद मैंने कभी बताया नहीं है, तो अगर मैं जॉइन क्वेस्ट करता हूँ तो यूजुअली मुझे उन लोगों के क्वेस्ट वगैरह मिलेंगे जिन्होंने SOS फ्लेयर जो है वो फायर किया है. तो इवेंट में देख सकते हो यार, इवेंट क्वेस्ट में एक फ्रॉस्ट फैंग बैरियोथ है, एक अलग सा बैरियोथ है उसके बारे में बाद में बताऊँगा. कुलुयाकू का है और ऑप्शनल में ये दो लोग हैं. अवेलेबल में भी देख सकते क्या है, कोलोसल टास्क है तो जाने देते हैं. तो चलो यार पोस्ट न्यू क्वेस्ट में चलते हैं. लेकिन पोस्ट न्यू क्वेस्ट से पहले अपने पास पोस्ट करने को कुछ है नहीं, इसलिए स्टोरी क्वेस्ट ही अभी कंटिन्यू करते हैं. चलो सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट आइडिया यही रहेगा. मैनेज आइटम्स में जाऊँगा, देखते हैं क्या नहीं है मेरे पास. कहने के लिए तो सब कुछ है, तो चलो ये उठा लेता हूँ मैं शॉक ट्रैप. देखते हैं क्या नया काम आया. हेड टू एल्डर सीसेस. चलो एल्डर सीसेस पे चलते हैं क्योंकि वहीं पर ही नया क्वेस्ट का निशान बनाया और एक नया ड्रैगन का निशान भी है वहाँ पर, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो. तो मेरा शक है कुछ ना कुछ नया वहाँ पर मिलने वाला है और वो रिलेटेड होगा स्टोरी क्वेस्ट से. चल के देखते हैं. तो यार पहुंच चुका हूं मैं एल्डर फ्रीसेस पे, और लिखा है इन्वेस्टिगेट एल्डर फ्रीसेस, तो वही करना है. कुछ नए मॉन्स्टर की इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी तो वही करना है. तो यार चलो चलते हैं, देखते हैं इस बार अपने को क्या मॉन्स्टर मिलता है. मील कर लिया है मैंने और देखते आगे जाके क्या है क्या नहीं. हर्ब्स वगैरह सब तो मैक्स आउट है, विगली लिच भी पकड़ लेता हूँ. एक चीज़ नोटिस करी है मैंने कि जैसे जैसे मास्टर रैंक में मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे जो स्मॉल मॉन्स्टर्स वगैरह है ना, मॉन्स्टर ट्रैक्स. अच्छा कुछ तो भी नया है. ओके एक और ट्रैक, ये तो डोडोगामा का है, ये भी डोडोगामा का है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो है अरे यार ये मच्छर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये जो है ये अपना वर्ल्ड वॉर टू कारपेट बॉम्बर वाले मॉन्स्टर के निशान है. बेजल गीस अगर मैं सही हूँ तो वही उसका नाम था. इनसे नफरत है मेरे को. खत्म खत्म. ये चिड़िया वगैरह कुछ करते नहीं है तो इनको जाने देते हैं. और ट्रैक ढूंढने हैं मेरे को, एक और ट्रैक. नाइस. और कुछ है? यस मुझे लग रहा है ये बेजल गीस के ही है और किसी के हो नहीं सकते. या फिर बेजल गीस को मैं हाई रैंक में भी मिला हूँ, मास्टर रैंक में भी शायद मिला हूँ, मेरे को याद नहीं सही से. ठीक है चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है क्या नहीं.
What? Thorns? Thorns? कहाँ पर? अच्छा आगे. तो हॉर्न से मतलब नरगी गांटे की मौजूदगी है यहाँ पे और एडमिरल की भी. What do you have in your sights this time? Business is about to pick up. Oh, of course. Of course. World War carpet bomber. Basil geese. Iski skin glow kar rahi hai. Usually basil. Are baap re. There's something odd about this one. कुछ तो भी नया वेरिएंट है बेजल गीज़ का, क्योंकि बेजल गीज़ के पूंछ ब्लू कलर के ग्लो में नहीं आते. पक्के से मास्टर रैंक में ही कोई तो भी वेरिएंट है. हंटर रेडी है अपना. डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, तो पक्के से ये जो है. ओके, सीधिंग बेजल गीस. एयरबोर्न अटैक रुक गया, कोई नहीं. गलत टाइम पे वार पड़ा मेरे को. इसकी पूंछ काटनी पड़ेगी मेरे को, लेकिन काटे का मौका मिले तब ना. अरे यार, देख ही सकते हो यार, बहुत ही मुश्किल हो रही है मेरे को इस पे अटैक वगैरह लैंड करने में. ओके, बहुत ही अजीब टाइम पे हिटबॉक्स लगा हुआ, लेकिन चलो अच्छा है, एटलीस्ट सवारी मिल गई मेरे को. ओहो, चलने लगा है ये. मेरे को नहीं लगता नेक्स्ट जो इसके ड्रॉप्स होने वाले हैं वो नॉर्मल ड्रॉप्स होंगे. टेंडराइज कर लेता हूं सबसे पहले तो मैं. और ये बेजल गीज़ से ज्यादा खूंखार भी है. बेजल गीज़ यूजुअली थोड़ा सा आलसी होता है. बढ़िया डॉज था वो. अरे यार नहीं, सही टाइम पे डॉज किया मैंने इस. अरे नरे, ही करो इसका. ये भी थोड़ा अच्छा खासा डैमेज देने में लगा. बुरा नहीं था, कोशिश यही थी कि पूंछ पे लगे, लेकिन पूरा था ये. थैंक्स मांकर बिल्ले.
देख ही सकते हो यार, वो लगातार मेरे पर बॉम्ब पे बॉम्ब फेंके पड़ा है और मैं लगातार उसके पूछ में मारे पड़ा हूँ। मैंने देखा ही नहीं आते हुए। हेल्थ फुल कर लेता हूँ मैं। शीथिंग बेसल गीज मटेरियल, ओके नॉट बैड। गलत टाइमिंग और गलत जगह पे डोज रोल किया मैंने। शार्पन कर लेता हूँ जल्दी से। वेट फिश विन प्लस यूज्ड अप इतनी जल्दी कैसे? और ये भक्ते डैम भी कहीं और चीजें गिरा के गया हुआ है। मैं टेम्पोरल मेंटल लाना तो भूल ही गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, गिली मेंटल पकड़ते हैं, इसके ऊपर कुछ चीजों को गिरा देते हैं। जैसे ही चीजें गिरती है अटैक करना शुरू करते। बहुत सही, पूरा अटैक नहीं था वो। एक और स्टन, पूछ कट गई, पूछ कट गई। बहुत सही, बहुत सही। टेंडराइज करने की कोशिश करता हूं। सही टाइम पे मैंने डॉज रोल नहीं किया, स्किल इश्यू। थैंक्स बिल्ले। ये क्या है? तो ये आग के गोले नीले हो जाते हैं, चिपकते हैं, फिर फटते हैं। तो ये है इसका नया मूव। देख ही सकते हो यार, नया मूव जो है और ज्यादा खतरनाक है इसका। और ये कहीं पर भी चिपक रहे हैं यार, ये थोड़ी सही होता है। ये किस फेयर फाइट कैसे हुई फिर? ये तो गलत है यार, मैं मूव भी नहीं कर सकता इधर उधर। नहीं 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 नहीं, बच गया बच गया। कौन है यहाँ पे? अच्छा डोडो बाबा। नहीं, मारने का मौका ही नहीं मिल रहा मेरे को। ये अंधाधुन भागे पड़ा है, ब्लाइंड फायर करे पड़ा है। ओह, शायद मैंने इसका एलिमेंट ऑफ कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि आइस एलिमेंट जो है इसकी कमजोरी है। बहुत सही, अपना अल्ट देख सकते हो यार, देख सकते हो कितना ज्यादा अनफेयर है ये, कितना ज्यादा अनफेयर है ये। पूरा शॉट। थोड़ा पासा, नहीं ये बुरा हुआ, उसको स्टन लॉक नहीं कर पाया मैं। उसको गुस्सा भी आ चुका है। क्रिस्टल बर्स्ट उठा लेता हूं।
ताकि जैसे ही मेरे पास आता है मैं बस उसको एक बार स्टन करके वॉलमैन प्लीज प्लीज बढ़िया टेंडराइज करने के चक्कर पे था मैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, जाने से पहले कर लेता हूँ खुद को हील, और हाँ जाने से पहले इसकी पूंछ भी काट लूँगा मैं। अच्छा मैंने पूंछ तोड़ दिया, क्योंकि अगर मैंने पूंछ नहीं तोड़ा होता तो वो और ज़्यादा डैमेज वगैरह देता। बेजल की इज मेंटल, अनएक्सपेक्टेड था बट बहुत सही। वेटफिश फीन पता नहीं क्यों बहुत जल्दी जल्दी यूज़ हुए पड़े हैं, तो अगली बार मैं क्या करूँगा ना, जब भी वेटफिश फिन वगैरह मैं क्राफ्ट मतलब लेने जाऊंगा तब चार पांच एक और लेके आ जाऊंगा, मतलब चार पांच वेटफिश फिन लेकर आ जाऊंगा। ये इस तरफ है तो मेरे को लगता है ये ऊपर की तरफ होगा पक्के से। इस तरफ तो रास्ता बंद है, देखता हूँ स्काउट फ्लाइज कहाँ लेके जाते हैं। अगर नीचे की तरफ है तो मुझे लगता है अपना जो कैंप है ना उसके नीचे से जो रास्ता रहता है वो उसी तरफ गया हुआ होगा। यहाँ पर नहीं, शायद कहीं और। क्योंकि सबसे करीब वाला एरिया तो यही दिखा रहा था। यहाँ पर है, नाइस। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट अटैक कनेक्ट हुआ अपना। पास आने दूंगा और जैसे ही पास आता है पैराटोड को लात मार के भाग जाऊंगा। जल्दी हो, स्टन नहीं हो रहा। बढ़िया, बहुत सही। पहले तो टेंडराइज कर दूंगा। ऑफ कोर्स बड़े बॉम्ब भी लगा, छोटे बॉम्ब भी लगा, लड़ना तो मेरे को ही है। तो यार एक चीज तो समझ आ गई, ओ एक और मतलब एलिमेंटल ड्रॉप, नाइस। अगर मेरे पास आइस का कोई लॉन्ग शॉट या फिर इंसेक्ट ग्लेव होता तो शायद इसको और जल्दी खत्म कर सकता था मैं। ओके पत्थर ढूंढना है मेरे को, वॉल बैंक देना है। पत्थर यहाँ पर है, पास आ बेजल गीस। अच्छा जल माता, गलत जगह पे मैंने वॉल बैंक दिया। पत्थर और है क्या यहाँ पे? शायद नहीं, इन दिक्कत की कोई बात नहीं है। पैर बहुत सही, एनवायरनमेंट का यूज करूंगा मैं। बार बार बचा क्योंकि उन बॉम्ब के बीच में एक बार फंस जाता तो शायद मैं वन शॉट हो जाता। देख ही सकते हो यार कितना बुरा मूव है ये, कहीं पर भी चिपक जाते हैं इसके ये बॉम्ब्स, पर मैं इसके करीब भी नहीं आ सकता। प-
बढ़िया टाइम पे डॉज था। एक और डॉज, फिर से ओके, कुछ स्लिंगर बॉम्ब से मेरे पास। बढ़िया, बहुत सही, वॉल बैंग मिल चुका है। डॉज रोल, ओके ओके, स्टन पड़ा है, नाइस। अरे बाप रे, अरे बाप रे, तो बेजल की इस भाग रहा है, लेकिन ज्यादा दूर तक कहीं जाएगा नहीं। बट फिश फिन यूज करूंगा मैं, तो देख सकते हो यार, डोडो गांव अभी यहां पर है, मस्त मजे में। तो देखता हूं मैं इसको, अगर यार ये तो बॉम्ब पे बॉम्ब गिराए पड़ा है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को जंप लेना था उधर से। आने दो इसको, ये एम करके भी मार सकता है। बहुत सही, बस इसी की कमी रह गई थी। जंपिंग अटैक डालने की कोशिश करूंगा मैं। बढ़िया डॉज, मिस्ड, कोई दिक्कत नहीं। एज पे खड़ा, अरे भाई ये क्या है, वो लगता है मेरे को इसका अल्टीमेट अटैक था। अल्टीमेट अटैक बहुत ही लक से मैंने इवेड किया, समझ सकते हो मैं क्या करने वाला हूं। कोशिश कर रहा हूं इसको एक और सवारी लेने की। नहीं 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 नहीं, बढ़िया, बहुत ही सही टाइम पे सही सवारी मिली मेरे को। बस हिल मत, ऐसे ही रहे, नाइस। तो यार देख ही सकते हो कि हेड का टेंडराइज जो है वो खत्म हो चुका है, तो कोशिश करूंगा जैसे इसको नॉकडाउन मिले टेंडराइज कर दूं मैं। पर देख सकते हो इसके जो ग्लैंड्स है वो फिर से उग चुके हैं, तो इधर नहीं 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 नहीं, बहुत सही, गलत टाइम पे, मुझे नहीं पता था वहां पर हिट बॉक्स होगा करके। एक और बार, ओके, बेसल गीस तैयार लग रहा है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं, नया लोकेशन जा रहा है वो।
और नए लोकेशन जाते हुए भी कुछ ना कुछ ड्रॉप करके गया, इधर ही वापस आ रहा है। कमजोर कमजोर कमजोर, नाइस। मेरे पास ट्रैप टूल्स वगैरह कुछ नहीं है, बस इसी का इंतजार था मुझे। वापस अपने कैंप में जाता हूँ, ट्रैप टूल्स लेकर आ जाता हूँ और इसको कर लूँगा मैं कैप्चर। नाइस, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक फाइट था यार वो। शुरू में मुझे लगा था कि उसके जो बॉम्ब ड्रॉप्स वगैरह है वो रैंडम प्लेसेस पे नहीं है, जहाँ जहाँ पर वो अपना सर पटक रहा है या फिर पूंछ पटक रहा है उन जगह पर ड्रॉप्स हो रहे हैं। बाद में अचानक से रैंडमली होना शुरू हो गया, पता नहीं क्यों, पर ठीक है, एटलीस्ट पूरा मैच जो है वो कम्प्लीटली लक बेस्ड नहीं था। और ये हो चुका है कैप्चर। बहुत सही। ओके, और कुछ बचा है? कंप्लीट द एक्सपेडिशन एंड हेड बैक। कुछ फुटप्रिंट्स वगैरह, अच्छा डोडोगामा के ही है। चलो अच्छा है यार, ये एक्सपेडिशन तो खत्म हो चुका है, वापस चलते हैं अपने हैंडलर के पास और उसके पास से एक्सपीडिशन में कर देता हूँ ख़त्म। कहाँ गई मेरी हैंडलर? ओह हाय, टेक ऑल, रेशन मिले हैं मेरे को, नाइस, रिटर्न फ्रॉम एक्सपीडिशन। सीधिंग बेजल गीज, हाँ इससे जो वेपन वगैरह मिलेगा मुझे लगता है बहुत ही अच्छा खासा वेपन होगा, खासकर ब्लास्ट वेपन अगर इससे मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो 2-3 हंट्स और इसी के लगा ही लेंगे, क्या है। कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है लोड होने में, ऐसा लग रहा है कि और 4-5 क्वेस्ट तैयार करके रखा है उन लोगों ने मेरे लिए। खैर कोई दिक्कत नहीं, जो भी क्वेस्ट होगा मजे से लेंगे। Some great news. We found some Nurgigante traces. Great? That's great news? सबकी फटी पड़ी है यहाँ पर, क्योंकि Nurgigante जब भी दिखता है, जब भी कोई नया एल्डर ड्रैगन उधम मचा रहा होता है, तो वो ग्रेट न्यूज नहीं है। You heard me. Wherever that puppy shows up, it means it's on the hunt for something big. Now we just need to figure out what that something big is. Not only that, but thanks to the 5th Fleet, we've also found traces of other Elder Dragons in each region. And quite a healthy assortment of Elder Dragons at that. Things are really starting to heat up, huh? How's the investigation into the seismic actions going? Swimmingly. We've been able to pinpoint locations here in the Hinterlands as well as in the New World. We've also been splitting up to search for spots where the song is audible. We should be able to report our findings soon. Great. Keep it up and we'll be able to track down the old Everworm in no time. Speaking of which, I have a request of the 5th. If I'm not mistaken, we may be able to learn something about the old Everworm from the recently awoken Elder Dragons. At this stage, information is key. I'd like to request a formal investigation into these Elder Dragons. Chief, what do you think? Elder dragons have always been closely tied to all kinds of natural phenomena. We'd be fools not to investigate them. Great! We'll get started right away. Wait! What about me? Just, do what you always do. Ha ha! I'm on it! Okay, let's get to it. एल्डर ड्रैगन रिसर्च, हाँ मैं सही बता रहा हूँ यार, कुछ तो भी नया पक रहा है इनके यहाँ पे। इन्वेस्टिगेट एल्डर ड्रैगन्स,
Okay, investigation or optional quest? सर नो सरेंडर नो रिमोर्स का तो क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया था, बट साइड में ऐसा क्यों दिखा रहा है रिपोर्ट बैक टू हंट्समैन? चल के देखते हैं क्या है. और यहां पर कुछ तो भी नया है स्मिथी के पास. ओके, स्मिथी के पास कुछ अगर ब्लू कलर का एक्सक्लेमेशन मार्क है तो कुछ तो मजेदार होएगा ही होएगा. चलो पूछते हैं. Oh, I'll be your Rajang's red nurse, you bloody did it. Thanks for looking bleak there, eh? Not only did you have a Teostra, but an Ergigante and a Lunastra. Haha, I bet you nearly soiled yourself. But you showed everyone why you were an A-list hunter, mate. My team and the Special Arena salute you. My hammer's raring to go, so... Well be today. Okay, देखते हैं यार तुम्हारे पास क्या है. मैं सोच रहा हूँ बेजल गीस का लॉन्ग सॉर्ड क्राफ्ट करने के लिए. देखते हैं. और बेजल गीस क्योंकि ब्लास्ट से रिलेटेड है, मैं एलिमेंट लगाऊंगा ब्लास्ट पे. वैसे ब्लास्ट कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट है वो तो, लेकिन फिर भी. ओके, रुकर्स लॉन्ग सॉर्ड ये किससे बनता है? बेजल गीस ट्री है बेसिकली. तो ये है नॉर्मल बेजल गीस और यहां पर देख सकते हो यार सीधिंग बेजल गीस लग ही रहा है आइकन से ही. तो काफी पोटेंट लॉन्ग सोर्ड हो सकता है वो, लेकिन उसको करने के लिए मेरे को बोन ट्री तक का जाना पड़ेगा और फिर बेजल गीस के भी हंट में जाना पड़ेगा. 729 रॉ डैमेज है इसका, 240 ब्लास्ट है, लेकिन मेरे पास जो है 726 रॉ है और 300 ब्लास्ट है डिफेंडर के कटाना में, जो कि रेयरिटी 7 है. 726 रॉ और 300 ब्लास्ट, और इसमें कितना है 792 रॉ और 240 ब्लास्ट. यार मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही बेकार सा ट्रेड ऑफ लग रहा है ये मेरे को. हो सकता है कि आगे चलते चलते यहाँ पर कुछ मतलब नया मिल जाए, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि एटलीस्ट मतलब 800 रॉ तक डैमेज होता और ब्लास्ट डैमेज मिनिमम 300 या 350 तक होता, लेकिन ऐसा है नहीं. मुझे नहीं पता क्यों नहीं है, बट ठीक है, इससे अच्छा तो मैं डिफेंडर स्वॉर्ड्स यूज़ कर लूँगा. तो ठीक है, वो मैं क्राफ्ट नहीं करूँगा. देखते हैं और क्या क्या है मेरे पास. बेजल गीस के आर्मर पे देखता हूँ क्या क्या है. तो यार यहाँ पर देख सकते हो सीथिंग बेजल गीस आर्मर है. ईयर प्लग्स, ब्लास्ट अटैक है ठीक है, गार्ड ठीक है, क्रिटिकल ड्रो नहीं, बॉम्बे डियर नहीं, ईयर प्लग्स नहीं, कुछ खास है नहीं वैसे. ओके, यहाँ पर देख सकते हो उसका जो चेस्ट पीस है उसमें मेरे को 3 स्लॉट्स मिल रहे हैं. एक है 4 स्टार का और बाकी के हैं 1-1 स्टार के. तो वो थोड़ा अच्छा हो सकता है, पोटेंट हो सकता है. और क्या क्या है यहाँ पर 4 स्टार और 3 स्टार का मिल रहा है, जिसमें क्रिटिकल ड्रॉ है और वेलकाना के इसमें क्विक शीथ है. ओके, तो मैंने क्विक शीथ यहाँ पर अगर है तो मैंने चार्म क्यों ले रखा है? एक बार देख लेता हूँ अपने जितने भी वो सब है. चेंज इक्विपमेंट, शीथ चार्म नहीं चाहिए मेरे को, डिफेंस चार्म लगा कर देखता हूँ एक बार. ईयर प्लग है, क्विक शीथ लेवल 3 है, बढ़िया है, हेल्थ बूस्ट भी लेवल 3 है, लगता है चार्म की ज़रूरत नहीं थी. खैर कोई नहीं, देखते इसके पास कुछ नया चार्म होगा क्या क्राफ्ट करने के लिए. पॉइजन अटैक स्लीप, मेरे को फोकस चार्म चाहिए. फीनिक्स चार्म, देखते इसमें क्या है. फीनिक्स में कोआला सेंस मिलता है जो कि स्टेटस पे अपना अटैक वगैरह बूस्ट करता है. ज़रूरत नहीं है. ब्लास्ट कोटिंग, पॉइजन, क्रिटिकल, क्रिटिकल बूस्ट देता है, यानी कि जब भी मैं क्रिटिकल हिट करूँगा तब जो अफिनिटी है या फिर जो डैमेज है वो 40% ज़्यादा रहेगा. मतलब अगर 100 का डैमेज जा रहा है तो 140 का डैमेज जाएगा, 200 का डैमेज जा रहा है तो 280 का डैमेज जाएगा. 40% बहुत ज़्यादा होते हैं यार. बना सकते हैं,
चीज़ भी है अपने पास, तो लेवल वन पे देखता हूँ क्या क्या मिलता है और थोड़ा आगे देख लेते हैं और कुछ है कि नहीं, क्योंकि मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो है फोकस चार्म, माइटी ये भी ठीक है, चैलेंजर भी ठीक है, एजिटेटर लेवल बूस्ट हो जाता है उस पर। ओके फोकस चार्म यहाँ पर है, तो इसमें डियाब्लोस की रिच प्लस चाहिए, तो यार चलो चलते हैं डियाब्लोस को फार्म करने, क्योंकि ग्रेट स्वॉर्ड के लिए फोकस चार्म जो है बहुत ही खास रहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले तो मैं इस सेट को सेव कर देता हूँ, डेकोरेशंस में देखता हूँ। ओके यहाँ पर मैं कुछ डाल सकता हूँ, आइस रेजिस्टेंस नहीं, आइस अटैक का अगर हो तो बस तो कुछ लग नहीं रहा है करके, ड्रॉ मेंटेनेंस सिटी डिवीजन। आइस अटैक का मेरे पास है नहीं, हंगरलेस है, बोटिनी है, अरे यार कुछ तो अच्छा ज्वेल दे दो मेरे को। क्रिटिकल ड्रॉ देखता हूँ मेरे पास कितने लेवल्स है। ओके क्रिटिकल ड्रॉ मेरे पास सिर्फ एक लेवल है, तो मैं क्रिटिकल मेंटेनेंस यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे सही रहेगा। और चेंज इक्विपमेंट में जाकर देखता हूँ, बैंडिट मेंटल है, तो एक बार मुझे जाके हंट्समैन से बात करनी है। जितना मुझे याद था लास्ट टाइम मैंने जब हंट्समैन से बात किया था तब मुझे वो इक्विपमेंट मिल ही गया था, अभी पता नहीं फिर से ऐसा क्यों दिखा रहा है, बड़ा ही अजीब सा बग है ये गेम का शायद। याद होगा तुमको टेम्पोरल मेंटल मिला था मेरे को। सेम ही वॉइस लाइन्स है, फिर सेम ही डायलॉग्स है इसके। अच्छा पता नहीं यार, ये बड़ा अजीब सा चीज़ था, टेम्पोरल मेंटल मिल चुका था मेरे को, अभी पता नहीं फिर से क्यों मिल रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं एक्सेप्ट तो कर ही लेंगे। चेंज इक्विपमेंट में जाऊँगा और इसमें मैं चेंज करूँगा बैंडिट की जगह टेम्पोरल मेंटल। ओके और गिली की जगह चैलेंजर, चैलेंजर में क्योंकि जो एजिटेटर स्किल है वो बढ़ जाता है, फायर प्रूफ वाटर प्रूफ, चलो अभी के लिए यही रहने देते हैं। सेट डेकोरेशंस अभी तो कुछ है नहीं डेकोरेट करने के लिए। खैर चेंज इक्विपमेंट में जाके इस इक्विपमेंट को मैं फिर से सेव कर दूंगा, फ्रॉस्ट क्राफ्ट नाइस। तो यार अभी चलेंगे कुछ नए क्वेस्ट पे, सबसे पहला जो था जो है डियाब्लोस, जॉइन में देखता हूँ, जॉइन में तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो हाई रैंक क्वेस्ट है, तो चलो हाई रैंक में जाकर देखते हैं डियाब्लोस अपने को मिलता है कि नहीं। तो ये है डियाब्लोस और वो भी है स्पेशल अरीनाज में, आराम से पेल सकता हूँ मैं इसको। और देखता हूँ और क्या क्या है मेरे पास, मैनेज आइटम्स में जाके कोशिश करूँगा इसको कैप्चर करने के लिए, वैसे होएगा नहीं इतना तो पता है। ट्रैप टूल्स भी अभी ज़्यादा है नहीं, खैर छोड़ जाने देते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं चीफ इकोलॉजिस्ट के पास जा करके जितने भी मॉन्स्टर मारे उनको रजिस्टर करवा लेता हूँ बस। तो देख सकते हो यहाँ पर मिल चुके हैं, तो चलो चलते हैं डियाब्लोस की बजाने। मुझे नहीं लगता इस क्वेस्ट में मेरे को खाना वगैरह खाने की ज़रूरत है, मील वगैरह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आई मीन हाई रैंक क्वेस्ट है यार, कितना ही मुश्किल हो सकता है, बोल तो अभी रहा हूँ वो कितना ही मुश्किल हो सकता है, जाकर लगने वाली है शायद, वो मेरे को पता है। स्टैमिना के लिए रेशन वगैरह नहीं है मेरे पास, ओके कोई दिक्कत नहीं, बारबेक्यू स्प्लिट भी एक ही बचा है। कुछ एप्टनॉथ वगैरह और मारने पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। वेल डन स्टेक, नाइस। तो यार मैं तुम्हें बता दूं, डियाब्लोस का जो वीकनेस है वो आइस एलिमेंट रहता है,
डॉज रोल कर लिया, वॉल बैंक भी दे मारा, बढ़िया। एक ट्रू चार्ज स्लैश पड़ जाए, आधी लाइफ खत्म हो जाएगी। अरे यार मिस हो गया। नहीं। क्योंकि वो ऑलरेडी गड्ढा खोजना शुरू कर चुका था। नहीं यार फिर से नहीं। इधर देख, बहुत सही। इधर आ डियाब्लोस, इस तरफ देख। पूछ काट देता हूं, वो बेस्ट रहेगा। गाय जैसी आवाज है एकदम इसकी। अरे पूछ कट चुकी है, बहुत सही। स्लिंगर एमो मिल चुका है, एक और वॉल बैंक। अब कोशिश करूंगा इसके सर को गंदा वाला डैमेज देने का। बहुत सही, एक और बार, नाइस। वो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। पास आ डियाब्लोस। नहीं। फिर से नहीं यार, एक सवारी चाहिए मुझे इसके ऊपर। थ्रोन पोर्ट से खत्म हो गया वो। खैर कोई दिक्कत नहीं, स्लिंगर एमो से मॉन्स्टर खत्म हो गया, बहुत सही। टेल केस मिल चुका है डियाब्लोस का, पता नहीं कौन था भी, कौन सा तो भी मटेरियल था जो फोकस चार्म के लिए चाहिए था, लेकिन अभी मेरे को फोकस चार्म चाहिए क्योंकि मुझे ग्रेट स्वॉर्ड अपग्रेड करना है अपना। अपग्रेड तो नहीं, मतलब ग्रेट स्वॉर्ड का फुल पोटेंशियल यूज करना है मुझे। नाइस, पत्थर। मैं इस आइडिया से निकला था कि इसको कैप्चर कर दूंगा, लेकिन वही है, हाई रैंक मॉन्स्टर है तो जल्दी ही मर गया। अच्छी बात है कि अरे काफी टाइम से मेरा भी इरादा था कि मैं स्वॉर्ड एंड शील्ड भी एक बार यूज़ करूं, तो मैं सोच रहा हूँ डिफेंडर स्वॉर्ड एंड शील्ड जो है जितना पहले क्राफ्ट हो रखा था उसी को मैं अपग्रेड करूं, लेकिन सबसे पहले तो फोकस चार्म यूज़ करूंगा क्योंकि स्वॉर्ड एंड शील्ड मेरे को बहुत कम खेलना आता है। Something's going on in the Elder Dragons part. Let's head out on an expedition or optional quest to check it out.
वर्कशॉप पे चलते हैं, देखते हैं स्मिथी के पास फोकस चार्म बनाने की चीज़ें हैं कि नहीं। अपग्रेड इक्विपमेंट फोकस, नहीं ये तो डिफेंस है, फोर्ज में ही रहेगा। फोकस मिल ही नहीं रहा यार, फोकस चार्म, ओके। डियाब्लोस रिज चाहिए नेक्स्ट। अच्छा नहीं, ये तो पहले लेवल गई था, अपग्रेड में जाता हूँ। फोकस चार्म, ओके फोकस चार्म है मेरे पास, दूसरा भी कर सकता हूँ मैं, नाइस। तीसरे लेवल के लिए अभी तक चीज़ें नहीं है मेरे पास, और कौन से मॉन्स्टर को मारना है वो भी नहीं पता मेरे को। खैर कोई दिक्कत नहीं, फोकस चार्म मिल चुका है यार, तो इस लोड आउट को मैं फिर से सेव कर दूंगा। स्टैंडर्ड फ्रॉस्टक्राफ्ट सेव, नाइस। ओके देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। पोस्ट न्यू क्वेस्ट में जाऊंगा, स्पेशल असाइनमेंट में, ये तो लो रैंक का है। तो अभी है एल्डर्स ड्रैगन्स इन्वेस्टिगेशन में, अभी मैं वो नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे कुछ नए वेपन्स चाहिए। सबसे पहले तो यार मुझे क्या कहते हैं, एक नया लॉन्ग सोर्ड चाहिए, तो देखता हूँ। मुझे कोई भी ऐसा लॉन्ग सोर्ड चाहिए जिसका जो डैमेज है वो 726 से ज़्यादा हो। काफ़ी सारों का 726 तक ही है, इसका है 825, और यह है कूलू यकू का लॉन्ग शॉट। बुरा नहीं है, 25% अफिनिटी है इस पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। 792 ये भी अच्छा है, लेकिन 825 और 792 में मुझे चूज़ करना पड़े तो मैं 825 ही चूज़ करूँगा। कूलू यकू में देख सकते हो जो स्लीप वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे, वो ग्रे आउट हो रखा है, इसका मतलब उसको एक्टिवेट करने के लिए हमको ज्वेल्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। ये तो जो मेरे को लग रहा है बैरियोथ है, तो यहाँ पर कुछ तो भी दूसरा आइस एलिमेंट का वेपन होएगा। 825 ग्लैविनस पाड़ा, तो ग्लैविनस का वेपन है ये, इसको मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसको क्राफ्ट करने के लिए मुझे यहाँ से एकदम जर्नी करना पड़ेगा, और ये गोल्डन वेपन तक भी नहीं जाता, तो इसको मैं नहीं ही करूँ तो अच्छा है। वेलकाना ट्री 858 आइस 240, इसको क्राफ्ट किया जा सकता है अभी, लेकिन मेरे पास हड्डियाँ नहीं हैं। वाल हजाक ट्री, उसके लिए भी मेरे पास, मुझे नहीं लगता मटेरियल है एग्जैक्टली। यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लगता है कुछ ज़्यादा ही मटेरियल्स में यूज़ कर चुका हूँ। यहाँ पर देखते हैं, ये किसका ट्रीज है, ये रैथलॉस का ट्रीज है, 792 330। बुरा नहीं है लेकिन बहुत आगे से आना पड़ेगा। राथियन का भी वही हाल है, क्वेश्चन मार्क ट्रीज का भी नहीं पता मेरे को, इरिटेट हो रहा हूँ मैं। खैर कोई नहीं, देखते हैं और आगे क्या है। ओके अभी तुम देख सकते हो यार मेरा जो HR रैंकिंग है यहाँ पे वो 52 लेवल हो चुका है, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेस्ट है ज्वेल्स वगैरह फार्म करने के लिए, वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। पोस्ट न्यू क्वेस्ट में जाऊंगा, हाई रैंक में जाऊंगा और इवेंट क्वेस्ट में जाऊंगा। दो नए इवेंट क्वेस्ट है, इग्नोर करता हूं। और यहां पर देख सकते हो ग्रेटेस्ट जागरास करके क्वेस्ट है लेवल 9 का, वो अनलॉक हो रखा है, तो ये लेके चलते हैं राइट। और इसमें अपने को जागरास को हंट करना है, और मैं तुम्हें बता दूँ ये ऐसा वैसा जैगराज नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक वाला जैगराज है, तो इसको ले लेता हूँ मैं और चल लेता हूँ इस हंट के लिए। और ये जैगराज अपने को बहुत सारे डेकोरेशंस देने वाला है, लेवल 4 डेकोरेशन से रेयरली मिलेंगे,
लेकिन इस इवेंट क्वेस्ट में कुछ तो अच्छे डेकोरेशंस मिल ही सकते। मेरे को यहाँ पर क्यों छोड़ा, यहाँ पर ना तो जागराज है ना कुछ है। इस जागराज की साइज देखो यार, और इसके दहाड़ में भी दम है। सर को टेंडराइज कर देता हूं मैं। देख ही सकते हो यार, कुछ ज्यादा ही दमदार जागराज है। बढ़िया, देख सकते हो कितना ज्यादा हेल्थ खत्म किया उसने मेरा, और ऊपर से मैं मास्टर रैंक के आर्मर पे हूं। कॉम्बो कंप्लीट, एक शाइनी पड़ा है यहां पर। बढ़िया बिल्ले, बहुत सही बिल्ले। जागरा लोकेशन चेंज कर रहा है अभी। चलो हड्डियां वगैरह उठा ही लेते हैं, अभी कुछ देर पहले ही हड्डियां वगैरह थी नहीं अपने पास। जागरा को भूख लगी है अभी, मिनी मैप में देख सकते हो। चलो यार जागराज का पीछा करते। तो जग्रॉसी अभी मुझे जो लगता है एप्टोनॉथ वगैरह कुछ तो भी खाने वाला है। और पेट फूल जाएगा इसका खाने के बाद। बढ़िया, फोरसाइट कॉम्बो फंस गया जायग्रास। अरे चढ़ जा भाई पेड़ के ऊपर। बड़ा ही अजीब मैकेनिक्स है गेम का। अभी चढ़ा पेड़ के ऊपर। फोरसाइट लगानी, कोई दिक्कत नहीं। डेविल जो आ चुका है इधर पे, और जागराज का साइज देख सकते हो डेविल जो से भी ज्यादा बड़ा है। आने दो, मैं नहीं डरता अभी तो। गलत टाइमिंग। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट, हील कर लेता हूं खुद को क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही डैमेज दे रहा है। ग्राउंड ट्रेमर्स तक ले आया है ये। काफी दूर दूर तक छलांगे लगा रहा है। नीचे आ जाएगा रास, तेरे पर तो सवार होऊंगा मैं। आ,
मुझे लगा वो सिंगल अटैक था उसका। नहीं फोरसाइट ओके अभी वो उन कैस्टरडॉन्स को खाने जाएगा। और आलसी हो चुका है ये। किधर जा रहे भाई? इधर देख। लॉल यार वो स्लिंगर है, मुझे गिर गया। इतनी जल्दी नहीं क्यों यार? तो मैं तुम्हें बता दूं, जैगराज जैसे ही खाना खाकर उल्टी करने लगता है, उस उल्टी से डेकोरेशन गिरते हैं। तो इसको खाना खाने में मैंने देर लगा दी, तो होपफुली इसको उल्टी करने में इतनी देर ना लगे। तो जाके देखते हैं क्या होता है। इधर देख भाई। ओके खाना खा चुका है ये, उल्टी करने का वेट कर रहा हूं बस। इस मेरा ये मतलब नहीं था। तो यार ये देखो, ये उल्टी करना शुरू कर चुका है। नहीं यार लेकिन दिक्कत ये है कि उसकी उल्टी जो है वो ऊपर ही गिर रही है, तो जो डेकोरेशंस है वो हवा में ही गुम हो जा रहे हैं। डेविल जो आ चुका है यहाँ पे। तो यार ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ डेकोरेशन वगैरह गिरे हुए हैं, देख ही सकते हो फेस स्टोन्स वगैरह मिलने लगे हैं। हार जा रहा है ग्रेट जगरॉस, और इसी बीच में मैं ये सब कलेक्ट कर लेता हूँ। तो साइड में देख ही सकते हो यार, डेकोरेशंस ही इसने उल्टी करी थी और डेकोरेशंस ही मिल रहे हैं। ओके तो एटलीस्ट 10 डेकोरेशंस तो मिली गए होंगे मेरे को। दिक्कत ये है कि ये सब डेकोरेशंस यूजुअली 1 स्टार या तो 2 स्टार के होते हैं, लेकिन कुछ 2 स्टार और 1 स्टार डेकोरेशन ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी ज़रूरी हो सकते हैं, तो इसलिए इसको 2 या 3 बार फार्म करना तो बनता ही है। और ओके डेविल जो भी इधर पे, और मुझे लगता है मैं जैगराज को ख़त्म करूँ इससे पहले डेविल जो इसको ख़त्म कर देगा। खैर इधर आ भाई। एप्टोनॉथ खाओ कोई। फोरसाइट
अब इसको गुस्सा आ चुका है। नहीं फिर से फोरसाइट, तो फोरसाइट नहीं था वो, हेल्म ब्रेकर था। खैर तो यार डेकोरेशंस तो एटलीस्ट 10 से ऊपर तो मिली गए आराम से। तो एक बार ये क्वेस्ट फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 डेकोरेशन मिलना यूजुअली इस क्वेस्ट के लिए कम है सच बताऊं तो। तो बेसिकली इसको सबसे पहले भूखा करना है, और भूखा करने के बाद इसको खाना खाने देने का वेट करना है, और उसके बाद इससे उल्टी करवानी है। तो बेसिकली ऐसे करने से अपने को डेकोरेशंस वगैरह काफ़ी सारे मिल जाएंगे। डेविल जो आ चुका है, और मुझे लगता है ये जागराज को खाने वाला है। तो देख सकते हो यार डेविल जो का जो हाइट है वो ग्रेटेस्ट जैगरॉस के सामने कितना छोटा है। यूजुअली सबसे बड़ा डायनासोर हुआ करता था ये। ओके बहुत सारे डेकोरेशंस मिल चुके हैं, सब वन स्टार है, लेकिन देखते हैं। हैवी आर्टिलरी ठीक है, रेजिस्टर ज्वेल्स जो क्या कहते हैं ब्लाइट वगैरह होने से बचाता है वो एक और मिल चुका है। डेफलॉक बेकार बेकार, फोर्टिट्यूड ठीक ठाक है, ड्रैगन रेस स्पेशमिन, फ्लाइट ज्वेल देखो मिल चुका है अपने को जो 2 स्टार ज्वेल होता है, स्टेडफीस ड्रैगन स्प्रेड ज्वेल जो कि क्या कहते हैं एरो वगैरह के यूज़र्स के लिए ज़रूरत पड़ती है, या फिर हैवी बोगन के यूज़र्स के लिए ज़रूरत पड़ती है, ग्राइंडर ज्वेल जो कि अपने शार्पनेस को ग्राइंड करने से मतलब तो 3 बार ग्राइंड में ख़त्म कर देता है, स्टेडफीज फोर्टिट्यूड। एक और बार करेंगे ये क्वेस्ट, इस बार वेट करेंगे कि जैगराज जो है खाना वगैरह खाए फिर उल्टी वगैरह करना शुरू करे। तो यार चलो शुरू कर देते हैं द ग्रेटेस्ट जैगराज। इसके साथ एक और भी क्वेस्ट आता है द नेम्स लवासियोथ करके, तो उस क्वेस्ट में भी काफी सारे ज्वेल्स वगैरह फार्म कर सकते हैं। इस बार मील करके जाऊंगा। पोशंस वगैरह सब मैक्सड आउट है, और आ चुका है ग्रेटेस्ट जैगराज। इससे पहले मैं उठाऊंगा हनी, नाइस। इसको एक स्लिंगर एमो की ज़रूरत है मुझे इसको शॉट मारने के लिए। तो यार देख सकते हो ऑलरेडी ये खाना खाना शुरू कर चुका है। बार खाने देते हैं इसको, नाइस। खाना खाते वक्त मैंने कर दिया इसको टेंडराइज। अब देखो अब ये जब उल्टी करना शुरू करता है तब कितने सारे फेस टोन्स मिलते हैं अपने को। इधर देख फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट, इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे को। उल्टी कर भाई जल्दी, हाँ नहीं अब करेगा, नाइस नाइस। तो यार ये देख सकते हो ग्रेट जैगराज मटेरियल फिर से।
लगातार मिले पड़े हैं अभी। फिर से नाइस। मुझे ये नहीं पता ये लोग ये मेरा हंटर स्टोन्स वगैरह क्यों उठा रहा है। कुछ अच्छे वाले भी मिले हैं इस बार। खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे भी है। थोड़ा सा अटैक भी कर देते हैं इसको समय रहते ही। डेविल जो भी इधर पे है, बड़ा खतरनाक डिजाइन है इसका, एकदम मस्कुलर। खैर मस्कुलैरिटी बाद में देखता हूँ, मैं जाऊँगा मैं जगरोसी के पास। और भी काफ़ी सारे फेस स्टोन्स देने वाला है वो मेरे को। तो यार एटलीस्ट 10 या 20 फेस स्टोन्स तो वहीं पर ही मिल गए होंगे। ओ 10 या 20 डेकोरेशंस वहीं से मिल जाएंगे। जगरोसी इधर करो, उल्टी नहीं, उल्टी उल्टी उल्टी, ये नहीं। नाइस, बहुत सही। तो यार जैग्रॉस लगे पड़ा है और हम भी लगे पड़े हैं। और कुछ एक उधर दिख रहा है मेरे को, एक इधर भी है। बुरी हालत थी वो। खैर कोई दिक्कत नहीं, और कहीं पर है नहीं, और तो लग नहीं रहा। ऑफ कोर्स भी बुरा था ये। नाइस, आखिरी उल्टी थी तो मुझे नहीं लगता इस पे और कुछ मिला मेरे को। इसको थोड़ा और कमजोर कर देता हूं। थोड़ा पहले करने चाहिए था वो साइड। कॉम्बो कंप्लीट, बहुत ही बुरा टाइमिंग। अरे यार फिर से नहीं। नाइस, एक हेडशॉट, कोई दिक्कत नहीं। बस यार यही दिक्कत रहती है, ईयर प्लग्स अगर नहीं होते तो कॉम्बो में ही अटक जाते और उसी टाइम मॉन्स्टर वार कर देता है। बहुत सही, मैं उसको इधर इसलिए लेके आ रहा हूँ कि यहाँ पर कैस्ट्रोडॉन्स वगैरह है, तो अगर भूख लगी तो यहाँ से वो फिर से खा सकता है।
बहुत बुरा। शायद केस्टरडॉन तक लेने की बात सही नहीं थी। मिनी मैप में देख ही सकते हो वो फिर से भूखा है और मुझे ऐसा लगता है वो एक और एप्टरनॉथ खाने के चक्कर में है, या फिर क्वाइट पॉसिबली वो अपने गुफा के अंदर जाएगा और गुफा में कुछ तो भी और खाएगा। दिक्कत ये है यार कि वो जैसे ही वो गुफा में जाता है ना, उसका जो क्या कहते हैं जो उल्टी करने का जो एनिमेशन, उससे जो डेकोरेशंस वगैरह है वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। ये कैसा अटैक था। हेल्म ब्रेकर बहुत सही। चाहता हूँ इसकी लड़ाई एक बार डेविल जो से हो जाए। बढ़िया, ना खैर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इस क्वेस्ट में मैं टाइम लेने से इसलिए नहीं घबरा रहा, क्योंकि जितना मैं टाइम दूंगा उतना जो जैगराज है वो कुछ ना कुछ खाएगा, और जैसे ही वो कुछ ना कुछ खाता है, देखो यार वहाँ पर वो शुरू भी हो चुका है, जितनी बार खाएगा वो उतनी बार उल्टी करेगा, और जितनी बार वो उल्टी करेगा उतनी बार मेरे को कुछ ना कुछ नया डेकोरेशन मिलेगा। आ जा, इधर देख। लगातार घूमे पड़ा है और मैं ग्राउंड ट्रेमर से मरे पड़ा। बढ़िया, ओके, इसकी उल्टियां भी मेरे को डैमेज करेंगी अभी। लग नहीं रहा मेरे को कुछ नया डेकोरेशन यहां पर है, तो शायद लिमिट खत्म हो चुकी है, और अगर लिमिट खत्म हो चुकी है, नहीं अगर लिमिट खत्म हो चुकी है तो मुझे जैगराज की कोई जरूरत नहीं है। तो हाँ, जैसे कि देख ही सकते हो लिमिट ही खत्म हो चुकी है। भाई कितना बुरा डैमेज है इसका। गया मैं, लगता है जैगराज की क्वेस्ट में मरने वाला हूँ। बहुत सही, इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। कॉर्नर हो चुका हूं मैं यहां। बहुत सही यार, बहुत सही। ओके, दैट्स इट, बस अब खत्म, अब जैगराज खत्म, अब नहीं सहा जाता मेरे से। पहले मैंने इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था कि कुछ नए ज्वेल्स वगैरह अगर मिलेंगे, ना ज्वेल्स मिले ना ही कुछ, तो बस फोरसाइट। वो इग्नोर कर रहा है मेरे को, खैर कोई दिक्कत नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो इग्नोर करे ना करे, मैं तो जाके मारूंगा उसको।
डेविल जो भी यहाँ पर है, कुछ कर भाई डेविल जो। मारा है मैंने, ज्यादा डैमेज होगा नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं। खैर यार ये मॉन्स्टर लोग दहाड़ना बंद करेंगे तभी मैं हंट पे ध्यान दे पाऊंगा। खैर कोई दिक्कत नहीं। यार क्या था ये, उठने तो दे दे। बस मैक्स पोशन भी ले लिया मैंने। नहीं बहुत सही मिल ले, बहुत बढ़िया टाइम पे, बहुत ही बढ़िया टाइम पे। कमजोरी आ चुकी है अभी इस पे। अगर कमजोरी आ चुकी है तो शायद मैं इसको वॉल बैंक भी कर सकता हूँ, देखना पड़ेगा। जगरास इधर देख। नहीं ओके, सो रहा है। नाइस। बोन पाइल से बोन भी कलेक्ट करूंगा और जैगरास की हड्डियां भी। कुछ तो भी शाइनी है यहाँ पे, लेकिन ग्रेट जैगरास का ही मटेरियल है। खैर कोई दिक्कत नहीं, इस बार कुछ अच्छे खासे ज्वेल्स मिले हैं, एटलीस्ट 20 तो होंगे अपने पास। यूजुअली इस वाले क्वेस्ट पे और एक और क्वेस्ट है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये दो क्वेस्ट बेसिकली इस चीज़ के लिए है ताकि जब भी ज्वेल्स वगैरह की कमी हो तब अच्छे खासे अमाउंट में ज्वेल्स वगैरह फार्म कर सके। डेविल जो को एक हेल्म ब्रेकर दे देता हूँ पार्टिंग गिफ्ट के लिए। हेल्म ब्रेकर ना ही लगा पर ना ही डेविल जो का अटैक मेरे पे। खैर चलो यार देखते हैं, देख सकते हो यार कुछ ज्यादा ही ज्वेल्स मिले इस टाइम पे। एंटी पैरालिसिस पेप ज्वेल, प्रोटेक्शन ज्वेल, सटर पेप, मेंटेनेंस, फ्लाइट। ओके ओके लगे रहो। रेरिटी 8 के भी मिले हैं। इवेजन ज्वेल मिला है मेरे को, बहुत 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 सही। लेवल 2 इवेजन ज्वेल मेरे को एक पॉइंट ऑफ इवेजन विंडो देता है। हाँ
तो यार आज का एपिसोड मैं यही एंड करता हूँ। टियोस्ट्रा से लड़े, लुनास्ट्रा से लड़े, सीदिंग बेजलगीज से लड़े, वेलकाना के नया आर्मर बनाया, बड़े जगरोसी से लड़े। तो यार एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि आज के मॉन्स्टर्स तुमको कैसे लगे, आज के अनफेयर फाइट्स जो कुछ ज़्यादा ही भरे हुए थे वो कैसे लगे। और इसी के साथ यार मैं तुमसे लेता हूँ अलविदा, और मैं तुमसे मिलूँगा मॉन्स्टर हंटर के अगले एपिसोड पर।